हर खबर हरियाणा से किसान नेता राकेश शिकैत की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। सीएम की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम ने कहा 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए जाएंगे टैब, 5,00,000 टैब खरीदने की मंजूरी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर निशाना, कहा सरकार ने भर्ती घोटालों को किया नजरअंदाज, एचपीएससी और एचएसएससी को बर्खास्त किया जाए, पुनर्गठन। एचपीएससी मामले में एससीएस अनिल नागर समेत 3 आरोपियों को कोर्ट में पेशी, विजिलेंस कोर्ट ने आरोपियों को भेजा हिरासत में, 26 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सोनीपत में व्यापारी संगठनों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसान आंदोलन से हो रही व्यापारियों को परेशानी, राहत पैकेज का ऐलान कर जल्द रास्ते खोले सरकार, 75% आरक्षण का भी विरोध किया। और सोनीपत में महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने, रिश्तेदार ने ही दिया वारदात को अंजाम, 4 लोगों पर लगा गैंगरेप का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और वक्त है मेट्रो सिटी का। सबसे पहले बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास एक निजी रिजॉर्ट में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने बैठक की है, जिसमें आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर सरकार ने तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं, जिससे कारोबार में समस्या आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार जल्द से जल्द रास्ते खोलने का काम करे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा है कि हमने व्यापार शुरू किया, लेकिन हमारे व्यापार पर इसका बहुत असर पड़ रहा है और समय के अनुसार सरकार के सभी नियम शर्तें पूरी करनी होती हैं, वो हमने किया भी, जिनमें प्रदूषण की नियमावली भी शामिल है। लेकिन जब नियमावली पूरी कर ली जाती है, तब बाद में प्रदूषण का जिम्मा देकर फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। सरकार हमें प्रताड़ित करना बंद करे। तो व्यापार संगठन ने यह बड़ी बैठक की है, जिसमें आपको बता दें कि सरकार से रास्ता खोलने की मांग की गई है। जिस तरीके से टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, इससे पहले भी लगातार ये व्यापारी इस मांग को उठा चुके हैं। इनका यह कहना है कि इस आंदोलन के चलते उनके व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और इसीलिए अब सरकार को इन बॉर्डर्स को खुलवाने का कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले तमाम किसान नेताओं की ओर से ये कहा गया कि हमने रास्ते नहीं रोके गए, रास्ते पुलिस ने रोके, लेकिन इन सबके बीच अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वो या तो आम आदमी है या फिर वो व्यापारी जिनकी दुकानें आसपास हैं इन बॉर्डर्स के, और उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनको लाखों करोड़ों का नुकसान अब तक इस आंदोलन के चलते रास्ते बंद होने से हो चुका है। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि 75% आरक्षण के विरोध में भी ये व्यापारी हैं, और जब इन्होंने यह बैठक की है तो इसमें तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। सोनीपत के कुंडी बॉर्डर के पास एक निजी रिजॉर्ट में ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने बैठक की है, जिसमें राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर सरकार ने तमाम रास्ते बंद कर रखे, जिससे कारोबार में समस्या आ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इन रास्तों को खोलने का काम करे, और इसके साथ ही 75% आरक्षण का भी इन व्यापारियों ने विरोध किया है। और चलिए अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में इन दिनों गंदगी और प्रदूषण दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। सरकार, आपको बता दें कि सड़कों पर जो कूड़ा फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली को आईना दिखाने का काम कर रहा है। शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और ये बातें गुरुग्राम नगर निगम की कार्यप्रणाली को खोलने के लिए, यानी कि गुरुग्राम की जो कार्यप्रणाली है उसकी पोल खोलने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वैसे तो साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को, लेकिन गंदगी का अंबार, कूड़े का ढेर आप यहां पर देख सकते हैं। कूड़े का ढेर किस तरीके से लगा हुआ है, गंदगी का अंबार यहां पर आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। और गुरुग्राम में जो गंदगी देखने को मिल रही है उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इन दिनों प्रदूषण की मार भी लोग यहां के झेल रहे हैं। तो गुरुग्राम में गंदगी और प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर
सवाल भी लोगों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। आवारा पशुओं को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आवारा पशु भी इन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो गुरुग्राम में इन दिनों गंदगी और प्रदूषण दोनों ही बहुत ज्यादा समस्या लोगों के लिए बने हुए हैं। सड़कों पर कचरा फैला हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आपको पहले भी कहा कि प्रशासन की कार्यशैली को ये आईना दिखाने का काम भी तस्वीरें कर रही हैं, क्योंकि शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर आपको इस तरह से नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों इन सड़कों पर पड़े इस कूड़े को नहीं उठवाया जा रहा है, और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कूड़े का जो ढेर है उस पर आवारा पशुओं को भी आप देख पा रहे हैं कि आवारा पशु भी यहां पर खुलेआम घूम रहे हैं। और ये तस्वीरें किसी गांव की, किसी कस्बे की नहीं है, बल्कि गुरुग्राम जैसे शहर की हैं जिसको हम और आप साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। सवाल यह है कि नगर निगम क्या कर रहा है, नगर निगम की ओर से क्यों यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ या आप कह लीजिए कि उसको अच्छे से नहीं कराया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो और साइबर सिटी जिस खूबसूरती के लिए जानी जाती है वो खूबसूरती यहां दिखे भी। सोनीपत के कुंडली थाना इलाके में रिश्तों को शमसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला के साथ उसके ही रिश्तेदार ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर साल 2018 में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला का पति जेल में है और इसी दौरान महिला ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। महिला ने कुंडली थाना में अपने रिश्तेदार और उसके तीन साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार और उसके एक दोस्त को हिरासत में लेकर तीन दिनों की रिमांड पर रखा है। तो सोनीपत का यह मामला है जहां पर रिश्तों को शमसार करने का यह मामला बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ उसके ही रिश्तेदार ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर साल 2018 में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी यह है कि महिला का पति जेल में है और इसी दौरान महिला ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब महिला ने कुंडली थाना में अपने रिश्तेदार और उसके तीन साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार और उसके एक दोस्त को हिरासत में लेकर तीन दिनों की रिमांड पर रखा है। अब इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, पूछताछ के आधार पर और भी खुलासा होने की उम्मीद पुलिस को है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों आरोपी पुलिस की अब गिरफ्त में हैं। महिला के साथ दरिंदगी यहां पर की गई, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस महिला का रिश्तेदार ही इसमें शामिल है, जिसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस घृणी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने आपको बता दें कि दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। थाना क्षेत्र से एक शिकायत आई थी, क्या शिकायत दी थी और किन आरोपियों को गिरफ्तार हुआ? 10 नवंबर 2021 को हमारे पास में एक शिकायत आई एक महिला की कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ और उत्पीड़न हुआ, उसके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ। उस सिलसिले में हमने तस्दीक शुरू की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उन चारों आरोपियों के बारे में पता लगाया, जिनमें से दो की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से एक का नाम रमेश है और दूसरे का नाम भूपेंद्र है, और इनको हमने बिहार सिमरा से गिरफ्तार किया है। आगे तस्दीक जारी है और बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग एक साल से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अभी उनकी कुछ मांगें बाकी हैं और इसीलिए आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वहीं सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर के पास एक फैक्ट्री मालिक ने किसान आंदोलन की सफलता पर फैक्ट्री में बर्तनों पर भारी छूट के बैनर लगाकर अपनी खुशी जाहिर की है। तो सोनीपत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तीन कृषि कानून जिसको अब केंद्र सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरु पर्व के मौके पर
19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा राष्ट्र को संबोधित किया और देश को संबोधन के दौरान, यानी कि देश को जब वो संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि केंद्र सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है और रद्द करने की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अब उसको जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उसको वहां पर शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है, कैबिनेट की जो बैठक होनी है, उसमें भी इन कानूनों को वापस लेने पर मुहर लग सकती है और उसके बाद संसद में इनको पेश किया जाएगा और वहां से वापसी का जो रास्ता है वो निकलेगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, इन सभी बॉर्डर्स पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि कृषि कानून वापसी के अलावा और भी उनके मुद्दे हैं, जब तक उनका हल नहीं होगा तब तक वो डटे रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बर्तन फैक्ट्री मालिक ने अपनी खुशी का इजहार किया है इन कानूनों के वापस होने पर और किसानों की जीत पर उन्होंने बर्तनों पर लोगों को भारी छूट देने का फैसला किया। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में अस्पताल प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही उस वक्त सामने आई जब पूरा अस्पताल लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ब्लैकआउट होता दिखा। अस्पताल में आए मरीजों को डॉक्टर और नर्स मोबाइल फोन की लाइट में उनका इलाज करते नजर आए। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए आए भर्ती मरीज भी अस्पताल प्रशासन को कोसते दिखाई दिए। हालांकि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया को हार्ट सेंटर ऑपरेशन थिएटर के पास नहीं जाने दिया गया। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 4 से 5 जनरेटर मौजूद हैं लेकिन वो भी किसी काम के नजर नहीं आए। तो सिविल अस्पताल की ये घोर लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर अचानक से ब्लैकआउट यहां पर हो गया और ये ब्लैकआउट कोई 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे का नहीं बल्कि पूरे 1 घंटे से ज्यादा तक ये ब्लैकआउट रहा, जिसके बाद जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, वो लोगों का इलाज मोबाइल की टॉर्च में करते हुए नजर आए। मोबाइल की लाइट जलाकर वो मरीजों का इलाज यहां पर करते हुए नजर आए। तो ये लापरवाही यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहां हालांकि 4 से 5 जनरेटर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी कोई भी जनरेटर चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल का यह मामला है, बादशाह खान अस्पताल, जहां पर अस्पताल प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही और इसका खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ा क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक यहां ब्लैकआउट रहा, जिसके चलते मरीजों का जो इलाज था वो डॉक्टर और नर्स मोबाइल के जरिए करते हुए नजर आए। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए आए भर्ती मरीज भी अस्पताल प्रशासन को कोसते दिखाई दिए और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया को हार्ट सेंटर ऑपरेशन थिएटर के पास नहीं जाने दिया गया। बीके अस्पताल भर्ती, कितनी देर से लाइट नहीं आ रही यहाँ पे? करीब आधा घंटा करीब हो गया। क्या व्यवस्था मानते हैं कि अगर अस्पताल में इस तरीके की लाइट नहीं आ रही है तो इमरजेंसी सेवा में, इमरजेंसी वार्ड में आप भर्ती हो? जी। कितनी लापरवाही मानते हो? लापरवाही तो पूरी लापरवाही है सर। कल ये और मच्छर है और इतना अंधेरा ना, कोई कुछ दिख रहा ना किसी का मुंह, ना सिर दिख रहा, और पता नहीं जनरेटर है क्या नहीं है हमें। रतलाम विधानसभा के हीरापुर गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली की तारें खेतों में महज 4 से 5 फुट ऊंची हैं।
जिससे आए दिन जान का खतरा और फसल जलने का खतरा भी बना रहता है। आपको बता दें कि इसे लेकर किसानों ने कई दफा बिजली विभाग में लिखित में शिकायत दी है, लेकिन विभाग का कोई भी नुमाइंदा इसे दुरुस्त करने के लिए नहीं पहुंचा है। जब हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने SDO छैंसा से बात की है तो उन्होंने दोबारा लिखित में शिकायत देने की बात कही है और कैमरे पर बोलने से हालांकि इनकार कर दिया। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मैं इस समय मौजूद हूं पिथला विधानसभा के हीरापुर गांव में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो बिजली विभाग है वो लापरवाह दिख रहा है। मैं आपको ये हाई टेंशन जो लाइन है वो दिखाऊंगा, ट्यूबवेलों के कनेक्शन की ये लाइन है जो बिल्कुल खेतों में नीचे लटकी हुई है। इससे कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और किसानों की जो फसल है वो भी बर्बाद होने की कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मामचंद जी। मामचंद जी, तारें इतनी नीचे लटकी पड़ी हैं, क्या दुर्घटना की आशंका लगती है? दुर्घटना हो भी चुकी है, पहले एक लड़के की डेथ हो गई थी तारों के लटकने से ही, और वो कह कर भी गए थे सारे पुराने तार हैं, जब से बिजली आई है मेरे ख्याल में 67-68 के तार लगे हुए हैं, उसके बाद कोई बदली नहीं। अच्छा, जो किसान है उन्होंने कंप्लेंट भी बिजली विभाग में की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अब प्रशासन से क्या आप मांग चाहते हैं? प्रशासन से कह लिए उनसे, जो पहले आए थे एक्सीडेंट हुआ था उसका लटके का, तो वो कह के गए थे तार बदले जाएंगे, लेकिन कोई सुनाई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, बिजली विभाग पूरी तरह लापरवाह आंखें मूंदे हुए सोया हुआ है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, लाइन बिल्कुल नीचे है, अगर हम बात करें खंबे पर इसको नहीं लटका जाए तो अमूमन ये खेत तक लाइन नीचे पहुंच जाएगी, जिससे अंधेरे में कहें या दिन में एक कोई ना कोई घटना घटने का आशंका बनी रहती है। क्या यहाँ पे कई बार हादसा हो चुका है, बिल्कुल ये जमीन से 4 फुट नीचे है तार, जहाँ से हमें झुक करके निकलना पड़ता है। पिछले साल हमारा भतीजा एक्सीडेंट हो गया, जब नैनपाल रावत जी नहीं थे उनके भाई आए अरविंद भारद्वाज जी आए कि हम पूरे जंगल की लाइन बदली करवाएंगे, और अभी तक हमारे यहाँ कंप्लेंट हमने 2-2 बार दे चुके हैं, नानक चंद नंबरदार के ट्यूबवेल से और शिवदत्त के ट्यूबवेल तक पूरी लाइन डैमेज है, मंचा जहाँ भ्रष्ट हो जाता है और हमें हर समय हादसा होने का खतरा रहता है। खून पसीने से अपनी फसल सींचते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक भय रहता है कि स्पार्किंग के जरिए कहीं ना कहीं फसल जलकर खाक ना हो जाए। हो जाती है, पिछली बार अभी लाइनों में जो है हमारी यहाँ फसल, ये जो सामने वहाँ तार टूट गया स्टाबरी से, और वहाँ पे जो है हमने देखा कि आग लग गई, मैं नंगे पैर भाग करके आया, मैंने आग बुझाई, गए फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा है, आते हैं ज्वाइंट करके चले जाते हैं, हर 10 फुट पे 15 फुट पे यहाँ पे ज्वाइंट बने हुए हैं तारों में। हम परेशान हैं, हमने लिखित रूप से दे रखा है, हम यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारी फसल को नुकसान है, कृपया हमारी ये लाइन बदली हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान परेशान है, लाइन को बदलवाया जाए। इस चक्कर में और भी हमारे साथ जो किसान है वो मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? रवि कौशिक। रवि जी, समस्या बरकरार है, कंप्लेंट दे चुके हैं उसके बाद भी कोई निदान नहीं हो पाया समस्या का, क्या कहेंगे? सर, आज से 2 साल पहले हमारा एक भाई था, मनोज भाई था, वो इस तारों के नीचे होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब हमारे अपने नैनपाल रावत जी इनके छोटे भाई आए थे और दसन जो अरविंद भारद्वाज भी आए थे, उन्होंने बोल के गए थे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बिजली विभाग में भी आपने कंप्लेंट कर रखी है, क्या कुछ सुनवाई हो पाई है? बिजली विभाग के SDO वगैरह वे भी आए थे, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई कंप्लेंट दे चुके हैं हम, ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं किसान परेशान है क्योंकि उनकी फसलें अब बोने लगी हैं और फसलें जैसे ही तैयार होंगी उनके फसल को आगजनी से बचाने के लिए वो अब इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे अमल करे और इस चीज को दुरुस्त कर पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी किशन वाती है जी। क्या समस्या होती है, इतने तार नीचे रहते हैं अंधेरे के समय? हम जी खेती क्यारी में नरावे आते हैं तो हमको भी दिक्कत होती है जी, और जी कोई सुनाई नहीं कर रहा। अच्छा, बिजली विभाग में कंप्लेंट भी दे रखी है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं कर रहा यहाँ पर। बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, बिजली विभाग कहीं ना कहीं आंखें मूंदे हुए सोया हुआ है। बिजली विभाग को जरूरत है अपनी आंखें खोलने की, जिससे कि किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलें बचा सके और अपनी जिंदगी चैन और सुकून से जी सके। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, पिथला विधानसभा। फरीदाबाद का NIT औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर कई सालों से आंसू बहा रहा है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल है। उद्योगों के साथ साथ आपको बता दें कि यहां से गुजरने वाला हर शख्स बेहद परेशान है। नगर निगम में कई बार इसे बनवाने का मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। और ये हाल तब है जब पिछले दिनों अपने फरीदाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
इन सड़कों का औचक निरीक्षण कर इसे सुधारने के आदेश जारी किए थे। इस इलाके में उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे और इस औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फरीदाबाद ही नहीं बल्कि समूचे हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों और सरकार की उपेक्षा के चलते यहां उद्योगपति बदहाल हैं। इस रोड पे बहुत दिक्कत है, 5 साल से रोड नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी भरा रहता है इस रोड पे दुनिया भर का, और आदमी ड्यूटी करने वाला कहाँ कहाँ से परेशान होकर जब ड्यूटी करने जाता है, पानी भर जाता है, माल लेके आने में बहुत दिक्कत होता है, ये गड्ढा गुड्ढी बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी तनी मिट्टी डाले हैं। हाँ, तो मिट्टी डालने से काम चल जाएगा? नहीं नहीं यार, तो बरसात में तो एकदम माल ले आने में बहुत दिक्कत होता है। आप क्विंटलों के भाव में? हाँ, ले आते हैं। तो कितनी दिक्कत है आपको रिक्शा चलाने में? बरसात में तो कम माल लेके आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं तो मोटरसाइकिल वाले लेके आते हैं मालिक। की समस्या बहुत आ रही है हमारे को, काम धंधे का भी बहुत चक्कर चल रहा है इधर को, बाकी मिट्टी इतनी उड़ती है, बारिश के टाइम में पानी इतना हो जाता है अंदर दुकान के अंदर तक पानी आ जाता है इसमें सारे। तो सरकार ने इस पे कुछ कदम उठाया या कभी कोई पास रिसोर्ट गया है? ना, कोई नहीं अभी तक हमारे सामने तो कोई नहीं। क्या मानते हैं सड़क क्यों नहीं बन पाई है, क्या? अब देखो क्या हिसाब था, वो तो यही जाने ऊपर वाले। तो समस्या कितनी होती है पानी के अलावा कुछ और? सड़क है क्या जी, काम धंधा है वैसे चौपट हुआ पड़ा सारे, अब बोलो क्या करे, इतनी धूल मिट्टी है सारा कुछ अपने हिसाब से। फरीदाबाद में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही डेंगू के मामले भी कम होते जा रहे हैं। फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जब डेंगू की शुरुआत हुई थी उस समय स्थिति ये थी कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब सीएमओ के अनुसार डेंगू की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई 40 टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीएमओ ने बताया है कि जिले में अब तक डेंगू के 306 मामले सामने आ चुके हैं, डेंगू पूरी तरह से कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से बनाई गई 40 टीमें लगातार सर्वे करती रहती हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब डेंगू का लार्वा भी बहुत कम संख्या में मिल पा रहा है, डेंगू की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। डेंगू के आज की डेट में आज के केसेस मिला के हमारे पास 306 केसेस है और डेंगू अंडर कंट्रोल है। पहले जो बेड की कमी लोगों को महसूस हो रही थी अब वैसी स्थिति नहीं है, अब सभी को बेड आसानी से मिल रहा है। पहले भी बेड मिल रहा था लेकिन लोग सारे डरे हुए इतने ज़्यादा थे, इसकी वजह से थोड़ी सी स्थिति खराब हो रही थी। आज की डेट में डेंगू पूरी तरह कंट्रोल में है और केसेस भी कम हो गए हैं, ठंड आने के साथ साथ धीरे धीरे ये पूरी तरह कम हो जाएगा और हम जो सर्वे करते हैं बार बार जाके देखते हैं उनमें लार्वा भी बहुत कम जगह पर मिल। और मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।